गुड मॉर्निंग क्लास 10। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, वीडियो मैं सेंड करूँगा, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस के। तो आई एम गोइंग टू बिगिन द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2 का, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 2 का आप कहते 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, 3x प्लस 7y इक्वल टू 2, थर्ड वाला है, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन था, ए x इक्वल टू 3, y इक्वल टू माइनस 1, बी x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/3, ओके। सो दीज आर द टू कंडीशंस, टू सॉल्यूशन। दोनों को 1/1 चेक करेंगे, पुट इन द वैल्यूज ऑफ ए इन इक्वेशन 1 ऑफ, ऐसे इक्वेशन मान लीजिए, क्योंकि हम इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं ना। उसके बाद वैल्यूज पुट अप करोगे, 2 3 माइनस 3/3 माइनस 1, 2 3 जो 6, और माइनस माइनस ये LHS लिख ली यहाँ पे, 2 3 जो 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9, ये RHS में भी है ना। नेक्स्ट इक्वेशन 2, putting the values in of A in equation 2, ओके। इस सिस्टम ऐसे आपको करना है। इसके बाद 3 into 3 minus 3 3 into 3 plus 7 into, ये अपॉन है ना, ठीक है, अपॉन लिखना माइनस 1, तो ये प्लस ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। LHS 3 3 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, सो दिस इज इक्वल टू RHS। हेंस ए इज द सॉल्यूशन ऑफ हम चेक किए क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 2 में। उसके बाद दोनों में LHS और RHS बराबर आए, तो क्या लिख सकते हैं हम, ए इज द सॉल्यूशन ऑफ 3। नेक्स्ट, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी इन इक्वेशन 1 सेकंड स्टेज, ठीक है। द फर्स्ट कंडीशन था, अब सेकंड कंडीशन में आएंगे। सो 2 इंटू व्हाट इज, व्हाट आर द वैल्यूज, 1/2 माइनस 3/, वैल्यू 1/3 मीन्स अच्छा में 1/3, टू इंटू 1/2 और 3 अपॉन में है, तो 1/3 नीचे, तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखोगे LHS, ये तो कट गया, 1 माइनस 3 3 9, ये हो गया माइनस 8 विच इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक। यहाँ पे भी सेम लाइन, putting the values in
क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू में रखेंगे, क्वेश्चन टू में रखने का देखिए 3 × 1/2 प्लस 7/1/3 LHS 3/2 प्लस 7 × 3 = 21, यहाँ पे 1 है नीचे, ठीक है। पहले ही बताते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 + 21 × 2 / 2 = 63 + 2 = 3 + 42 / 2 या 45/2। आर एच एस में है क्या कहीं? ऐसा नहीं है, तो नॉट इक्वल टू आर एच एस, ओके, नॉट इक्वल टू आर एच एस। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नीचे लिखना है एल एच एस इक्वल टू नॉट आर एच एस, नॉट इक्वल टू आर एच एस। बी इज, तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखे थे, बी इज द सोल्यूशन ऑफ, ए इज द सोल्यूशन ऑफ थर्ड, बी इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ, ठीक है। वैसे हम एक ही वैल्यू को भी जाएंगे तो भी चल जाएगा, एक वैल्यू आप ले लिए दूसरा छोड़ सकते हो, क्योंकि दूसरे एक तो सोल्यूशन है दूसरा सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन कभी कभी इनफाइनल सोल्यूशन होता है तो हो सकता है, लेकिन सोल्यूशन नहीं हो। बी इज द नॉट द सोल्यूशन ऑफ, ये पूरा स्टेटमेंट वहाँ पर बता दे रहा हूँ ऊपर में, ठीक है। लेकिन बी इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ, ठीक है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन आप करेंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। जो भी नहीं बनता है तो चेक कर लेना, मेरे सिग्नल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन थ्री में, क्वेश्चन थ्री का मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था आपको, क्वेश्चन थ्री सॉल्यूशन मेथड है, ठीक है। सॉल्व बाय एनी मेथड, इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, सॉल्व विच एवर मेथड यू वांट, ठीक है, यू कैन यूज। तो हम पहला मैंने बता दिया था, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, 5x + 4th, ओके, 8y = -1 3x - 2y = 24y, हाँ 24y/5 = +3/5 = 0, सो हम इसमें क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन लगाने की कोशिश करते हैं। सब्सटीट्यूशन लगाए, मैं आपको तीनों मेथड बता दे रहा हूँ। पहला सब्सटीट्यूशन, ठीक है, सब्सटीट्यूशन में हम इक्वेशन वन को लेंगे, इक्वेशन वन इज मोर सिंपलर देन, या इक्वेशन टू को भी ले सकते हैं, इक्वेशन टू को लेते हैं, ठीक है। टेकिंग इक्वेशन टू 3x = 24y / 5 3/5, ओके, दोनों को हमने इधर शिफ्ट कर दिए एक साथ, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक। अब 5 दोनों में है तो क्या जाएगा, 0.5 24y - 3, 3 को उधर ले जाते हैं, या 3 को उधर ले जाते हैं, उसका x = 24y - 15 24y - 3, ठीक है। दूसरे यू कैन राइट, कॉमन लेना है, कॉमन ले सकते हैं, 3 8y - 1 / 15 5 कर दिया,
बचा 8y माइनस 1/5, ये है x इक्वल टू। इस x की वैल्यू हम पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन टू, ठीक, इक्वेशन टू में डालेंगे, इक्वेशन वन में डालेंगे, ओके। इक्वेशन टू को हमने सब्सटीट्यूट किया, इक्वेशन वन में क्या है, 5x की जगह 8y माइनस 1 माइनस 8y इक्वल टू माइनस 1, 5 एट जा 40y माइनस 5 माइनस 8y इक्वल टू माइनस 1, माइनस 5 इधर ले आते हैं, ठीक है, तो 40 माइनस 8 हो गया 32y टू माइनस 6, सो y इक्वल टू माइनस 6 बाय 32 और माइनस 3 बाय 16, लिख लेते हैं पहले, 5 एट जा 40y माइनस 5 माइनस 8y इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, क्वेश्चन माइनस 1 है, सो 40y माइनस 8y हो गया 32y माइनस, इसको ले आते हैं माइनस 1 प्लस 4, ठीक है, 5 हो जाएगा 4, y इक्वल टू 4 बाय 32 या 1 बाय 9, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, y इक्वल टू 1 बाय 9, ओके। नेक्स्ट आएगा आपका, ये तो y की वैल्यू हो गई, फाइंडिंग x, x हम यहाँ से वैल्यू पुट अप करके निकाल सकते हैं, 8 इंटू x इक्वल टू 8 इंटू y का वैल्यू हो गया 1 बाय 9 माइनस 1 माइनस 1 बाय 5, 8 माइनस 9 बाय 45 माइनस 1 बाय 45, ठीक है, सो दिस द वैल्यू ऑफ x एंड दिस द वैल्यू ऑफ y, इसका सोल्यूशन है सब्सटीट्यूशन से, आप किसी और मेथड्स भी करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, आई हैव ट्राइड हियर सब्सटीट्यूशन। एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे जिसको हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, जो सॉल्व होगा कि नहीं है पहले देख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 4y इक्वल टू 16, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे लेने के पीछे अहमियत ये है कि आप इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, सॉल्व क्यों नहीं होंगे थोड़ा सा देखते हैं, अब यहाँ पे अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन करें, नंबर है ये 6 नंबर, सो इक्वेशन 1 2 टेकिंग इक्वेशन 1 x इक्वल टू 8 माइनस 2y पुटिंग x इन इक्वेशन 2 2 इंटू 8 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू 16, 2 इट जस्ट 16 माइनस 4y प्लस 4y इक्वल टू 16, 16 इधर लाते हैं तो माइनस 4y प्लस 4y इक्वल टू 16 माइनस 16, दोनों तरफ क्या हो रहा है, 0 आ जा रहा है, कोई कहीं पे सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, इसलिए मैं इक्वेशन लिया
क्योंकि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द कंडीशन विच यू हैव स्टडीड ax plus by equal to c1 a1x plus b1y a2x plus b2y equal to c2. आपने अगर प्रीवियस क्लास अटेंड किया तो आपको याद होगा a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2. अगर ये कंडीशन होगा तो वहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे. क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. ठीक है, ऐसे ही कुछ कंडीशन आएगा जब ये दोनों इक्वल होगा. a1 by a2 b1 by b2 जब हो जाएगा तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा. ठीक है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा वहाँ पे. तो इस तरह की कंडीशन वहाँ भी आएंगे जहाँ पे हमारे एक दो इक्वेशन होंगे. आप चेक करके देखिएगा, जैसे फोर नंबर तो हमने किया है. ठीक है, बाकी ट्राई करके देखिएगा किसी ने एक में नो सॉल्यूशन भी आएगा. ठीक है, तो आप इक्वेशंस करके देखिए, नोट्स बनाइए. ओके, एंड सबमिट कीजिए. ओके, थैंक यू.